और एकदम कैसा लग रहा है कि सच में टाइल्स बैठाया है वैसा। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्यारा सा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं सरसों काटने और अभी हम लोग का खाना पीना बन गया है क्या जी? हाँ जी बन गया है। हाँ बन गया है। और दोस्तों अभी सुबह सुबह देखिए उस तरफ दादी झाड़ू लगा रही है और गैया उन लोग का भी पाल देती है, लेकिन मुर्गी हम लोग का है तो बहुत कीचड़ देता है, तो अभी हम लोग ख़त्म कर दिए है। फिर हम पाल डाल के अब चलेंगे सरसों काटने। और दोस्तों हम लोग कल आलू बीज के लाए थे तो देखिए कितना सारा काट दिया था बनियार सब। बनियार मिल भी नहीं रहा था और हम लोग भी कोड़े थे, बनियार भी कोड़ा था, तो देखिए कितना काट गया ना। हाँ तो इसको क्या बनाएगी, चिप्स बनाएगी तो चलेगा? हाँ जी चिप्स बनाएंगे। चिप्स बनेगा ये वाला? हाँ बनेगा जी। तो देखिए दोस्तों कितना आलू काट दिया है एकदम, जो बड़ा बड़ा है ना उस सबका बनाएंगे। ठीक है तो चलिए। हाँ चलिए। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं सरसों बारी, तो चलिए जी काटिए। हाँ पकड़िए इसको काटेंगे। अच्छा आ गया फिर तुम। अरे अरे तो देखिए अब खुशी मम्मी जा रही है काटने के लिए और मम्मी उधर काट रही है पहले से ही। चलो तुझे तब नहीं काटेगी, और ये वाला काटी है बेटर है ना। तो दोस्तों देखिए हम लोग का ये छोटा मटर है, छोटा मटर खुशी तुम भी काटो, छोटा मटर खाएगी तुम। चलो यहाँ बीछो बीछो छोटा मटर पकड़ो वाला तोड़ो। हाँ तोड़ो तोड़ो। हाँ तोड़ो तोड़ो। तो देखिए खुशी तोड़ रही है। अरे छोड़ दिया, अरे छोड़ो अभी मुँह धो के खाना है ना। और देखिए दोस्तों अब खुशी मम्मी काटने लगी, और मम्मी काटी है एकदम सुबह ही आके इतना सा पूरा, और अभी हम लोग को पूरे काटना है देखिए। तो देखिए काट रही है, देखिए कैसे। तो देखिए अच्छा से काटना, उंगली उंगली में काटा मत लेना, नहीं कटाएंगे जी। तो देखिए कैसे काट रही है, अब मम्मी पूरा एकदम काटी है सुबह से। सुबह है आई थी 5 बजे। 5 बजे आई थी ना मम्मी? तो देखिए दोस्तों अब काटने लगी, इसलिए मम्मी जल्दी आई थी। अच्छा दोस्तों देखिए उधर काट के आ गई है और इस तरफ अभी काट रही है। हाँ और देखिए इस तरफ खुशी मम्मी काट रही है और इधर अभी पका उतना नहीं है तो इधर काटेगी छोड़ देगी? काटेंगे जी, पूरा काटना पड़ेगा ना। हाँ। तो देखिए दोस्तों अभी भी काट रही है और इधर हम लोग का छोटा वाला मटर बहुत ज़्यादा है, तो मटर सब भी उखाड़ेंगे। और मम्मी उधर देखिए दोस्तों अभी ढासना में जा के मटर खा रही है, मटर फरल है। हाँ जी फरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये समय कितना फरा हुआ है, खुशी खाओ। हाँ कहाँ नहीं खाएगी। तो देखिए बहुत ज़्यादा मतलब काट लिए हैं, अब थोड़ा सा बचा है, आज हो जाएगा ये सब? हाँ जी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो खाना वाना खा लो, खाने लगी खा लेंगे। चलो खाना खाने चलो जाओ। हम लोग आज देख के खुशी रोने लगी, अब फिर आए अभी देखने के लिए। चलो खुशी खाओ मटर खाओ। रास्ता काट के आए और काफ़ी ज़्यादा धूप था तो तभी गए नहीं, उसके बाद अभी देखिए खाना वाना फिर खा के अभी खुशी मम्मी झाड़ू लगा रही है। तो यहाँ लिखना है क्या जी? हाँ दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, उठा गया है, तो अभी खुशी मम्मी लिखने के लिए खोज रही है और मम्मी फिर जाएगी सरसों काटने के लिए। तो दोस्तों देखिए अभी शुरू हो गई है, तो यहाँ से गोबर गूंद रही है। रोटी पकाएगी क्या? नहीं जी रोटी नहीं पकाएंगे। आटा जी सुनसान रही है, ढेला ढेला है इसलिए गूंद रहे। अच्छा और ये वाला क्या दे रही है? ये वाला मिट्टी है, दूधी मिट्टी। अच्छा दूधी माटी। हाँ। दोस्तों एकदम शरबत बना दी गूंद गूंद के, एकदम शरबत है जी, शरबत जैसा गार लग रहा है। पिएगा का? नहीं हमने दादी को पिला दे। दादी नहीं पिएगी। ये दोस्तों खुशी एकदम कैसे कर रही है, इस तो कैसा करेगी बोलिए? आधा चरक करेंगे आधा काला करेंगे। आधा चरक आधा काला मतलब? हम जैसे से करेंगे वैसे से हेल्प कीजिए थोड़ा। आप जैसे से करेंगे वैसे से हेल्प करेंगे? हम जैसे बताएंगे वैसे हेल्प करेंगे ना जी। अच्छा खुशी करेगी वाला कर रही, खुशी नहीं सकेगी।
वाला कर रही है, दादी हंस दे रही है। अरे चलो कर देंगे, क्या करना है सो बोलो। इधर से इतना दूर से निपेंगे सीधा करके। हाँ करिए। हाँ तो कैसा तो बताएगी तब। चिक मिट्टी। अच्छा चिक मिट्टी वाला इसीलिए लाई। हाँ तो देखिए दोस्तों क्या करेगी, देखिए काज कर रही है उसे। ऐसे से चिन्ह कर लेंगे, उसके बाद व्हाइट भरेंगे, उसके बाद काला भरेंगे। अच्छा तो मतलब चिन्ह करना। हाँ तो चौखट कर देंगे। हाँ तो वो बोलिए ना, इतना सीधा सीधा बोलो ना कि सीधा सीधा इधर इधर खींचो। तो दोस्तों हमको लाइनिंग खींचने के लिए बोल रही है, इसका बात तो समझ में नहीं। इसको कहाँ, यहाँ से लेके पूरा आंगना? नहीं हाँ। इतना दूर करेंगे और मतलब यहाँ से वहाँ तक। हाँ दादी बैठी वहाँ तक। हाँ तो चलिए दोस्तों हम चिन्ह करते हैं फटाफट। हाँ यहीं तक हो जाएगा ना। हाँ जी। तो दोस्तों देखिए हम चिन्ह कर दिए, मार्किंग कर दिए, तो इसी तरह बनाना था ना जी। हाँ जी इसी तरह बनाना था। अच्छा तो चलिए अब क्या करना है कीजिए अब। हाँ तो देखिए दोस्तों अब क्या कर रही है। अच्छा तो ऐसे ही मतलब पोतना है ना। हाँ। तो दोस्तों देखिए ये सब में कुछ घर में अभी पोताई कर ली है और अभी इसमें लिपाई करेगी गोबर वाला मिट्टी से। और इस तरफ देखिए दोस्तों मुकेश भी इधर पेंटिंग कर रहा है। आदमी लोग दिवाली में पोचाड़ा पेंटिंग करते हैं और साफ सफाई करते हैं, और आज हम लोग घर होली से पहले कर रहे हैं। तो देखिए मुकेश, हाँ तो देखिए होली में ही नया साल मना रहे हैं। तो देखिए इधर मुकेश पेंट मार रहा है अपना जो तुलसी पिंडा है उसमें। अच्छा से मारो पेंट, अच्छा मतलब कलर नहीं लगना चाहिए फोटो में। तो देखिए कितना मेहनत से अभी लगा रहे हैं। और इस तरफ खुशी मम्मी पूरा डिजाइन लगा रही है, मतलब डिजाइन दे रही है एकदम। तो दोस्तों देखिए व्हाइट वाला कलर दे दी है, यानी जो गोबर दे रहे हैं। हाँ तो अभी गोबर से लिप रही है देखिए, और एकदम कैसा लग रहा है कि सच में टाइल्स बैठाया है वैसा। तो कहाँ देखी थी जैसा, कैसे दिमाग आया कि हम टाइल्स बैठाएंगे? दिमाग चलाया जी हमको दोस्तों, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या नया करने वाली है। तो देखिए एकदम टाइल्स बैठा दे रही है एकदम, तो देख सकते हैं एकदम टाइल्स बैठा दे रही है। ये है हम लोग का किचन, आंगना वाला किचन। आंगना वाला किचन में पूरा चिकन कर रही है और टाइल्स बैठा के। तो देखिए अभी टाइल्स बैठा दी है एकदम लाइन से, और अभी उधर भी बैठाना है। तो मिस्त्री भीड़ गई है, अब कितना जल्दी अब टाइल्स बैठता है अब। और कितना टाइम लगेगा जी? टाइम तो लगेगा जी थोड़ा लगेगा ना। हाँ। तो दोस्तों देखिए हम लोग का टाइल्स बन के तैयार है, और कितना मस्त एकदम बनाई है। एकदम लग रहा है कि जैसे पक्का घर में किसी किसी ने, मतलब बहुत ऐसा आदमी सब टाइल्स लगाते हैं, हम लोग बाहर में कहीं कहीं देखते हैं उसके जैसा। तो देखिए कितना मस्त एकदम बना दी है। और इधर अभी पूरा हो गया जी? हाँ जी हो गया पूरा। देखिए एकदम दादी भी देख रही है। हेलो कितने बेस बना वाला है, हेलो माय गो कितने बेस बना है, बड़ी सुंदर सुंदर बना वाला है, हेलो कैसे सीखा रहा है ऐसा नहीं समझो। तो नहीं ठीक नहीं देखा हुआ जी? हाँ लेकिन कैसा ना कैसा ना बना वाला, खोंदरी 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 देखा ना एकदम खोंदरी खोंदरी। तो दादी बोल रही है दोस्तों कि ये खोंदरी खोंदरी बनाई है, जैसे अलग अलग टाइल्स है ना, तो दादी बोल रही खोंदरी खोंदरी बनाई है। तो ठीक नहीं देखा हो तब? बस देखा है, बस देखा है, बस देखा है। हाँ कौन सिखा दिया था इसे बनाने के? मिट्टी घर ना ढलाई घर में टाइल्स लगाते हैं, तो हम मिट्टी घर में टाइल्स लगा दे रहे हैं। अच्छा तो ढलाई घर में आदमी लगाता है, इसलिए तुम मतलब मिट्टी घर में बना रही ना। हाँ। तो घर में बनाना चाहिए, हम तो आंगन में बना दिए। हाँ, तो अच्छा देखने के लिए लगा इसलिए बना दिए। अच्छा तो देखिए दोस्तों कितना मस्त एकदम लग रहा है कि टाइल्स में ही हम लोग चल रहे हैं। देखिए कितना मस्त हमको तो कितना मस्त है, देखिए टाइल्स में हम चल रहे हैं। ये वाला नीचे गिरा दिए, इधर रख दीजिए कटेगा कोई। दादी तो देख के पूरा चौंक गई, पहले देखा रहे कहो? हाँ पहले कहीं देखा रहे? नहीं हम देख रहे हैं बेटा सन गो, और जो तकरा कह ये जो कते सुंदर दिखाओ लो कैसे कैसे बना वाला है। आप चूल्हा यारो कते सुंदर देखा है। हाँ चूल्हा ने हिंदे ला दे हिंदे देख। तो दोस्तों दादी थोड़ा अपना ही जो स्थानीय भाषा है वो थोड़ा बोलती है, उतना हिंदी नहीं आता है दादी को, इसीलिए
तो देखिए कितना मस्त एकदम बना दी है। तो चलिए अब खाना इसी में बनाइए तो आज। हाँ, इसी में बनाएंगे। हाँ तो चलिए, हो गया ना पूरा? हाँ हो गया। तो चलिए तो दोस्तों अब खाना बनने की तैयारी हो रही है और देखिए अदन चपा दी है और अभी चूल्हा जला रही है। चूल्हा जल गया जी? हाँ जी जल गया चूल्हा। तो देखिए अब चूल्हा जला ली है और आज क्या क्या बनेगा? आज चावल बनेगा, आलू और टमाटर की सब्जी बनेगा। आलू टमाटर की सब्जी? हाँ। तो दोस्तों चावल और आलू टमाटर की सब्जी बनेगा। तो चलिए और देखिए टाइल्स लगा दी है, इसकी कितना मस्त दिख रहा है, एकदम सुपर सुपर से भी ऊपर लग रहा है कि छात घर में है, वो पक्का घर जैसा। तो देखिए हम लोग का आंगन में बहुत मस्त एकदम बना दिए। तो चलिए आज यहीं पे बैठ के हम आग खेलते हैं। आग जला जला के अपन चावल बना दिए हैं और देखिए अभी पसा रही है कुलसी मम्मी और टमाटर आलू काट लिए। हाँ। तो दोस्तों अब चावल पसा रही है, अब आलू और टमाटर का झोर बनाएगी, भात में बहुत ही मस्त लगता है। तो चलिए पसा लीजिए, है ना? चावल बन गया और अभी देखिए आलू बन रहा है। हाँ एकदम, टमाटर और आलू डाल दिए है और कैसा बना रही है आज तो लग ही नहीं रहा है कि स्वाद बनेगा। बनेगा स्वाद? नहीं बनेगा, बनेगा। अच्छा देखते हैं ना। देखिए दोस्तों खाली आलू और टमाटर है और कुछ नहीं है, और अभी नमक डाल रही है। देखिए इधर तो घर का टाइल्स का नज़ारा देख के तो मन गदगद हो गया है, लेकिन आज सब्जी का मज़ा अब कैसा लगेगा पता नहीं। ये दोस्तों अब पूरा टमाटर गल गया है और अब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तकनीक से बोल रहे थे कि सब्जी अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ तो अब लग रहा है कि अच्छा बन रहा है, तभी अच्छा नहीं दिख रहा था। तब ऐसे ही उतारेगी, मसाला डालेगी? मसाला डालेंगे। अच्छा पीस के लाई है इधर ना? हाँ। देखिए दोस्तों मसाला भी डाल रही है, तब तो टेस्टी लगेगा ही। हाँ। मसाला डाल दी दोस्तों, अब हल्दी डालना बाकी है। हल्दी भी डाल दी। और उसमें हल्दी भी डाला हुआ था ना? हाँ। इसीलिए पीला पीला लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग का सब्जी बन गया है और देखिए खुशी मम्मी अब उतारने जा रही है। तो बन गया ना जी? हाँ जी बन गया। तो बन गया तो अब उतारिए और खाना लगाइए, काहे कि भूख लगा है तेज से। तो देखिए दोस्तों अब सब्जी बना ली है, अब उतारने जा रही है। एकदम जल्दी खाना बांटिए, है ना? दोस्तों खाने के लिए बैठ गए हैं और देखिए पापा भी इधर बैठे हैं, हम भी बैठे हैं और सभी बैठे हैं जितना आदमी हम लोग हैं। तो देखिए उधर खुशी मम्मी भी है, मुकेश भी है, सब एकदम टाइल्स वाला घर में सब बैठ के खा रहे हैं एकदम मजा से। हम लोग का देहाती टाइल्स है। हाँ देहाती टाइल्स है एकदम, खुशी की मम्मी का दिमाग से बनाई है एकदम। तो देखिए एकदम देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, पूरा घर में लगा देंगे। पूरा घर में लगा देंगे, है ना? हाँ पूरा टाइल्स के साथ दिखता है। तो है ना, हम लोग पहली बार देख रहे हैं ऐसा और बहुत अच्छा भी लग रहा है। कभी हम लोग टाइल्स वाला घर नहीं देखे हैं। देखे हैं मतलब बड़ा बड़ा आदमी का घर में। तो चलिए अब टमाटर का झोर भी बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत ही अच्छा। पहले हमको लग रहा था कि अच्छा नहीं बनाएगी, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों हम लोग खाना खा लिए हैं और देखिए सभी अभी खा के बैठे हैं टाइल्स वाला जगह में। अभी टाइल्स लगा है तो सभी को अपन बैठने का बहुत ज़्यादा शौक़ लगा, इसलिए अभी बैठे हैं नहीं तो अभी खाना खा के अपने अपने जगह में सोने के लिए चले जाते। तो देखिए कैसा लगा आज, तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये देखने में भी और खाने में भी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।